in the name of allah the most beneficent the most merciful assalamu alaikum i am your course instructor of english our subject is comprehension and composition dear students today ajam comprehension and composition ka fourth lecture composition. इन दिस लेक्चर वी विल रीड अबाउट द recognizing एंड इंटरप्रेटिंग cohesive devices इस चैप्टर में हम अपने इस टॉपिक में रेकग्नाइज़ करेंगे चीज़ों की पहचान करेंगे आइडेंटिफाई करेंगे चीज़ों को और इंटरप्रेट करेंगे चीज़ों को एलैबोरेट करेंगे उसकी तशरी करेंगे कि कोहेसिव डिवाइसिस क्या होती हैं और स्टेप बाई स्टेपेप हम इस तरह इसको किस तरह से करते हैं और ये क्या करदार अदा करती हैं और ये कि इसका ये किस तरह से एक दूसरे से लिंकिंग होती हैं डियर स्टूडेंट्स इसमें हम कोहिव डिवाइसिस के बारे में जाने के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कम्प्रीहेंशन एंड कम्पोजिशन का कि कोहैसि डिवाइसिस होती क्या हैं फर्स्ट ऑफ आल आई विल टेल यू अबाउट द कोहैसिहेसिव मीन इट्स अ स्टिक वर्ड कोसिव जो है बेसिकली इट्स अ जुड़ा हुआ मरबूत लफ्ज जो हम आहंग वर्ड होता है मतलब जो एक स्टिकिंग वर्ड होता है लाइक like, टूगेदर फॉर एग्जाम्पल uh, जैसे किसी भी फैमिली में लाइक का कोसिव फैमिली हम कहते हैं कोई भी जुड़ी हुई फैमिली हुज़ मेंबर पिच इन विद एवरी थिंग फ्राम मेकिंग डिनर टू पेंटिंग द हाउस एक घर ऐसा है जिसमें फैमिली जो है वो आपस में ज्वाइंड है स्टिक्ड है एक दूसरे के साथ रहते खाना पीना भी बैठ बैठना एक साथ ड्राॅइंग करना एक साथ कोहैसिफ जो है इट्स अ लेटिन वर्ड है कोहैसिफ का बेसिक मीन्स है थिंग्स टिक टुगेदर की चीज़ों को जोड़ना दे आर यूनिफाइड किस तरह से यूनिटी होती है कोहेसिव का मतलब होता है चीज़ें किस तरह यूनिटी क्रिएट करती हैं किस तरह से लिंक्ड होती हैं किस तरह से कनेक्टेड होती हैं किस तरह से मरबूत होती हैं उसके साथ जुड़ी होती हैं डेयर स्टूडेंट्स ये मैंने आपको क्लियर मीनिंग बताया है कि ये चीज़ें जो है स्टिकिंग मतलब जुड़ी हुई होती हैं कोहैसि डिवाइस सम कॉल लिंकिंग वर्ड्स लिंकर्स कनेक्टर्स डिसकोर्स मार्कर्स और ट्रांजिशनल वर्ड्स डिवाइसिस का मतलब मैंने आपको अभी बताया कि इट्स कॉल्ड लिंकिंग लिंकिंग में जुड़े हुए वर्ड्स होते हैं ये लिंक्ड होते हैं दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और इसका मतलब लिंकर्स होते हैं मतलब एक लिंक दूसरे लिंक के साथ होता है एक का ताल्लुक दूसरे के साथ होता है कनेक्टर्स कनेक्टेड वर्ड्स जैसे कि एक का कनेक्शन दूसरे से कनेक्ट कनेक्शन दूसरे वर्ड से होता है दूसरे सेंटेंस से होता है दूसरे क्लॉज से होता है डिस्कोर्स डिस्कोर्स मीन गुफ्तगु करना इट्स अ वर्बल और रिटर्न दोनों फॉर्म में डिस्कोर्स का मतलब होता है बातचीत करना कन्वर्सेशन करना ये रिटर्न भी हो सकती है डिस्कोर्स और ये वर्बल भी हो सकती है औरल भी हो सकती है और ट्रांजिशनल वर्ड्स ट्रांजिशनल वो होते हैं जिसमें हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब को पूरी तरह से सेंटेंस को उसकी सेंस के मुताबिक राइट करते हैं कोहेसिव आर वर्ड्स और फ्रेज दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन पैराग्राफ और सेक्शंस ऑफ और अ टेक्स्ट और स्पीच कोहेसिव डिवाइस जो होते हैं वो वर्ड्स होते हैं और फ्रेज होते हैं मतलब कि फ्रेज वो होते हैं जो अपनी सेंस जो है खुद नहीं बनाते बल्कि वो मेन क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज पर होते हैं डिसफ्रेंट्स मैंने फ्रेज़ का आपको कंसेप्ट या ये दे रही हूँ फ्रेज वो होता है जो कंप्लीट सेंस नहीं होती जिस सेंटेंस की इट्स अ फ्रेज और क्लॉज वो होता है जिसमें पूरा सब्जेक्ट होता है वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है और वो कंप्लीट सेंस मेक Sense make its own, वो अपनी सेंस बना रहा होता है इट्स अल्ड क्लाज और फ्रेज जो होते हैं वो अपनी सेंस खुद नहीं बनाते क्लाज और फ्रेज में आपने दो चीज़ों का फर्क देखना है जो क्लाज होते हैं इट्स अ कंप्लीट सेंस ऑफ सेंटेंस फ्रेज जो होते हैं इट्स नॉट अ कंप्लीट सेंस ऑफ सेंटेंस इस ये जो है डिपेंड होते हैं क्लाज पर फ्रेज जो होते हैं तब जाकर ये अपनी सेंस शो करते हैं इनका रिलेशन इन, इनका रिलेशनशिप होता है पैराग्राफ में और टेक्स्ट में रिटर्न में और स्पीच में और वर्बल में कोहेसिव डिवाइसेस आर वर्ड्स लाइक फॉर एग्जांपल इन कंक्लूजन हाउ एवर एंड मोर एवर कोहेसिव डिवाइसेस जो वर्ड्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं लाइक like, एग्जांपल देखें इधर इन कंक्लूजन मतलब किसी कंक्लूजन में हाउ एवर वर्ड्स जैसे जुड़े होते हैं हाओ और एवर दीज आर टू वर्ड दीज आर लिंक्ड वर्ड दीज आर कनेक्टेड वर्ड दीज आर कनेक्टर्स एंड मोर ओवर मोर इज वन वर्ड ओवर इज टू सेकेंड वर्ड तो मोर और ओवर को जब हम ज्वाइंट करेंगे तो इट्स अ स्टिक वर्ड ज्वाइंट टूगेदर मीन्स कि इट्स अ कनेक्टर कोहेसिव टेल आर डूइंग इन अ सेंटेंस एंड हेल्प टू गाइड अस थ्रू आवर राइटिंग कोहेसिव डिवाइसिस जो हमारी होती हैं वो हमें ये बताती हैं कि हम क्या कर रहे हैं सेंटेंसिस में क्लाज में और फ्रेज में किस तरह से चेंज कर रहे हैं थ्रू आवर राइटिंग अपनी राइटिंग के जरिए क्लाज मीन इट्स अ कम्प्लीट सेंस ऑफ सेंटेंस और फ्रेज जो अपनी सेंस नहीं बनाते और वो क्लास पर डिपेंड होकर अपनी सेंस जब कंप्लीट करते हैं तो मुकम्मल होते हैं अदरवाइज फ्रेज की कोई सेंस नहीं होती सेंटेंस में दे गिव सिग्नल्स टू अस व्हाट द रिलेशनशिप आर बिटवीन द डिफरेंट क्लाजिज सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ जो कोहेसिव डिवाइसेस होते हैं वो हमें सिग्नल्स देते हैं वो हमें इशारा देते हैं वह हमें साइंस देते हैं वट आर द रिलेशनशिप्स कि क्या हमारे ताल्लुक हैं डिफरेंट क्लाज में मतलब और सेंटेंसेस में एंड पैराग्राफ में क्लॉज मीन भी सेंटेंस और सेंटेंस वो जो बेसिकली एक क्लॉज होता है वही सेंटेंस होता है और पैराग्राफ में भी इसमें हमारे क्या जो है ना वर्ड्स जो होते हैं ज्वाइंड होते हैं लेट्स लुक एट टू एग्जाम्पल बिलो यहाँ डियर स्टूडेंट्स मैंने एग्ज़ैम्पल्स दी हैं जहाँ से आपको जो है आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि करेक्टर्स क्या होते हैं और कनेक्टेड वर्ड और स्टिकिंग वर्ड क्या होते हैं जो जुड़े होते हैं द पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द सिटी इज़ अनरिलाल एंड इट्स चीप

टू कोहैसिव हमने वर्ड्स यूज किए एक एंड एंड बट कोहसिव हम इसके इसको इसलिए कहेंगे क्योंकि ये हमारे सेंटेंस में वर्ड्स को क्लॉज को और सेंटेंस में जोड़ रहे हैं एंड ने फर्स्ट वाले और सेकेंड वाले सेंटेंस को दरमियान में जोड़ा बट ने भी जोड़ा तो इट्स मीन दीज आर कोहेसिव वर्ड्स कोहेसिव डिवाइसिस एंड और बट देर आर टू कोहेसिव डिवाइसिस एंड और बट आर शोइंग द डिफरेंट सिग्नल्स एंड चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस बट देर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये यह जो सेम तो हैं ये सेंटेंस सेम है लेकिन इनके जो कोहेसिव है वो बट और एंड जो है वो हमें यहाँ पर डिफरेंट साइंस दे रहे हैं और मीनिंग्स भी यहाँ डिफरेंट दे रहे हैं लेकिन वर्ड जो है यहाँ पर सिर्फ डिफरेंट साइंस एंड डिफरेंट लेकिन सेंटेंस जो है वो द पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन दिस सिटी इज अंडबल सेकेंड में भी सेम है ये लाइन लेकिन यहाँ फर्क दो तो चीज़ें दे रही हैं एड और बट जो हमें डिफरेंट मीनिंग और डिफरेंट साइंस दे रही हैं The first sentence tells the reader its cheap is a simply being added to the previous information. जो इस first sentence में जब जहाँ पर हमने and लगाया हुआ है वहाँ पर हमें बता रहा है कि it's cheap कि ये cheap है is simply being adding to the previous information कि हमें ये पिछली line के बारे में and बता रहा है कि it's a cheap information कि इसमें कोई relevant बात नहीं है इसमें कोई चीज जो है वो हमें सही नहीं लग रही जहाँ पर हमने and लगाया है. However, the second sentence tells the reader, दे आर गिविंग अंट्रास्टिंग ओपिनियन द फर्स्ट ऑफ द सेंटेंस बाई यूजिंग द वर्ड बट लेकिन जहां पर हमने बट लगाया है उसी सेंटेंस में तो वहां पर हमारा एक वर्ड ऐसे फकर जो है रेलिवेंट बन रहा है मीन्स कि हम जो है उसको ओपिनियन दे रहे हैं लेकिन जो ऊपर वाला है ना वो चीप वाला सेंटेंस जहाँ पर हमने एंड लगाया है तो उसकी कोई सेंस नहीं बन रही कि वहाँ पर हमारा वर्ड जो है फ़िट नहीं हो रहा कि जो एंड हम लगा रहे हैं प्रीवियस उसके जो प्रीवियस सेंटेंस के बारे में सही तरह से कोई चीज़ र, आ, शो नहीं कर रहा लेकिन जब हम बट लगाते हैं सेकेंड सेंटेंस में तो हम बट लगाने पर यह कह सकते हैं कि हम अपनी कोई राय पेश करें कि ये काम ऐसा होना चाहिए था बट ऐसा हो, 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 हो होना चाहिए या ऐसा हो जाए तो हम यहाँ पर अपनी ओपिनियन को शो करते हैं द वर्ड बट कन्वेज द होल मैसेज विदाउट नीडिंग टू लिटरेरी से इट जो यहाँ पर हमने सेकेंड सेंटेंस में बट लगाया है तो वो हमारा मैसेज जो है वो कन्वे कर रहा है होल मैसेज विदाउट नीडिंग बगैर इस चीज़ की रिक्वायरमेंट के कि हमें लिटरली लिटरली से इट के जब हमें किसी चीज़ की जरूरत पड़े हमारा सेंटेंस बट लगाने से प्रॉपर ओपिनियन शो करे लेकिन ऊपर जो एंड लगाया है उसमें वो हमारा एंड जो है प्रीवियस उसकी जो लाइन है उसको शो नहीं कर रहा तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको मैंने कनेक्टर्स वर्ग बताए हैं टू कनेक्टर्स हैं यहाँ पर टू कुफ है यहाँ पर बट और एंड लेकिन एंड जो है वो अपनी पिछली लाइन को सूट नहीं करा लेकिन वही लाइन जब हम उसमें बट लगाते हैं तो उसकी प्रॉपर थिंग को शो कर रहा है नेक्स्ट है हमारी जो स्टेप है वो है वट आर दे यहाँ दे से मुराद है वट आर कोहेसिव डिवाइसिस क्या हैं ये क्या करती हैं ये कोहेसिव डिवाइसिस आर लाइक ब्रिजिस बिटवीन पार्ट्स ऑफ योर पेपर आपके कोई भी पेपर है उसमें कोई भी पैराग्राफ है उसमें कोई भी पैसेज है कोई भी कंप्रीहेंशन चीज है जो आपको पैराग्राफ या पैसेज दिया जाता है उसमें आपकी कोहेसिव डिवाइसिस आपके कनेक्टिंग वर्ड्स आपके लिंकर्स आपके कनेक्ट कनेक्टर वर्ड्स जो हैं उसमें जरूर पाए जाते हैं आर लाइक ब्रिजेस किसकी तरह एक ब्रिज की तरह एक पुल की तरह बिटवीन पार्ट्स ऑफ योर पेपर आपके पेपर में दे आर क्यूज दैट हेल्प द रीडर कि आपके जो रीडर्स हैं वो किस तरह से इससे हेल्प ले सकते हैं किस तरह से इसको मतलब जो है एक उसमें इंटरप्रेट कर सकते हैं अपने आइडियाज़ को अपने आइडियाज़ को देख सकते हैं इन द वे दैट यू जिस तरह से आप उसको चाह रहे होते हैं देखना कि आपकी वो जो जितने भी इंटरप्रेट आइडियाज़ जिनको आप अपने कम्प्रिहशन में देखना चाह रहे होते हैं किस तरह से वो आपको चीज़ें जो हैं शो हो रही होती हैं आपके उस पैसेज क्यूज़ जो हैं दे आर क्यूज़ दैट हेल्प ये जो इशारे आपको मिल रहते हैं या आपको क्यू मिल रहे होते हैं या आपकी हेल्प कर रहे होते हैं कि आपको बता रहे होते हैं कि आपके पैसेज में कोहेसिव डिवाइसेस कहाँ यूज़ हो रही हैं एज अ राइटर वांट देम टू अंडरस्टैंड कि आप अगर एज अ राइटर वांट देम तो इनके इन्हें अच्छे से समझ पाएंगे कोहेसिव डिवाइस कहाँ यूज़ हुए हुए हैं अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है वट डू do do? करते क्या है हमारे पैराग्राफ में इनका काम क्या है इनका क्राइटेरिया जो है वो प्रॉपर क्या है कोहेसिव कोहैसि हेल्प यू कैरी ओवर अ थॉट फ्रॉम वन सेंटेंस टू अनदर जो आपके कोहेसिव डिवाइसिस होती हैं वो आपकी कैरी करते हैं आपकी थॉट को आपकी सोच को एक जगह से एक सेंटेंस में दूसरी जगह आपको लेकर जाते हैं कि किस तरह से आपने एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में अपने कोहेसिव वर्ड्स को देखना है फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर और फ्रॉम वन पैराग्राफ टू टू अनदर विद अदर वर्ड्स और फ्रेजेस डियर स्टूडेंट्स यहां पर आपको ये चीज बताई जा रही है कि आपके कोहेसिव डिवाइसेस व्हाट डू दे डू कि क्या करते हैं इनका वर्क क्या है कोहेसिव डिवाइसेस एक फॉर्म को एक सेंटेंस को एक थॉट को दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं कि किस तरह से आप एक सेंटेंस से दूसरी की तरफ मूव करेंगे एक आइडिया से आपको दूसरे आइडिया की तरफ मूव करते हैं एक पैराग्राफ से आपको दूसरे पैराग्राफ की तरफ मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजिज किसकी मदद से वर्ड्स की और फ्रेजिज की मदद से कोहेसिव डिज लिंक यूर सेंटेंसिस एंड पैराग्राफ किससे जुड़े होते हैं हमारे कोहेसिव डिवाइसिस हमारी सेंटेंसेस से और हमारे पैराग्राफ से टूदर स्मूथली हम वार होकर सो दैट देर आर नो एब्रप्ट जम्प्स कोई जम्प्स नहीं होते कोई भी उसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती कोई भी ब्रेक्स नहीं होते कोई पॉजिज़ नहीं होते इन आइडियाज़ के बीच में जब हम एक अपनी जो सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में जाते हैं एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जाते हैं और एक जो है हम अपनी थाट से सेंटेंस के दूसरी दूसरेट में जाते हैं अपने वर्ड्स और फ्रेज़ की मदद से तो हमें यहाँ पर कोई चीज़ें भी जो हैं हमें डिस्टर्ब नहीं करती हमें यहाँ पर कोई चीजें इंटररप्ट नहीं करती हमारे आइडियाज में कोई पॉजेस नहीं लाती बल्कि हम स्मूथली चीजों को कोहेसिव डिवाइसेस को अपने लिंकिंग वर्ड्स को अपने कनेक्टर्स को हम अपने जुड़ी हुई चीजों को मजबूत को देखते जाते हैं डेयर फ्रेंड्स अब हमने कोहेसिव के टाइप्स पढ़नी है कि कोहेसिव जो टाइप डिवाइसेस हैं वो डिवाइसेस हैं कौन सी हमने अब डिवाइसेस देखनी है कि कोहेसिव के लिए जो डिवाइसेस यूज़ हुई हुई हैं वो कितनी हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारी जो डिवाइस है वो है रेफरेंस रेफरेंस का डेयर स्टूडेंट्स आपने बहुत पता आपको होगा कि रेफरेंस मिन हवाला किसी चीज़ के बारे में हम जब रेफरेंस दे रहे होते हैं किसी चीज़ को रेफर कर रहे होते हैं हवाला दे रहे होते हैं तो यहाँ हमने पढ़ना है रेफरेंस के कोहसिफ के जो डिवाइसिस हैं वो उसमें हमारा रेफरेंस जो है क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर टू रेफरेंशियल डिवाइसिस दैट कैन क्रिएट कोहैन कि हमने सबसे पहले यह चीज़ देखनी है कि हमारी जो रेफरेंशियल डिवाइस है वो टू जो हैं वो कौन सी होती हैं वो है एनाफोरिक रेफरेंस अकर्स वेन द राइटर रेफर्स बैक टू समन समथिंग दैट हैज़ बिन प्रीवियस आइडेंटिफाइड टू अवॉइड रेपिटेशन डेयर एनाफॉरिक होती है वो इट्स अ रेपिटेशन वर्ड्स जो बार बार रिपीट होते हैं वर्ड्स की रेपिटेशन होती है तो जब भी कोई एनाफोरिक रेफरेंस होता है वो जब कोई राइटर जो है वहां पर किसी भी पैसेज में एंटर करता है जहाँ पर कोई भी एनाफोरिक रेफरेंस जो अकर होता है वाकिया होता है सम वन और समथिंग दैट हैज बिन प्रीवियसली आइडेंटिफाइड टू अवॉइड रेपटेशन तो जो प्रीवियस जितनी भी चीजें होती हैं वो जितने भी कोई भी अगर इसको पढ़ना चाह रहा होता, तो होता है तो वो अवॉइड करना चाह रहा होता है रेपिटेशन से सम एग्जाम्पल रिप्लेसिंग द टैक्सी ड्राइवर विद द प्रोनाउन ही और टू गर्ल्स विद दे जैसे कि देर स्टूडेंट्स हमारी जो एनाफोरिक की यहां पर आपको बताऊंगी कि हम जब बार बार कहेंगे कि साध इज गोइंग टू स्कूल एंड साध इज डूइंग वर्क एंड साध इज टेकिंग शॉवर एंड साध इज बिजी इन हिज वर्क तो बार बार अगर हम साध लेंगे तो फर्स्ट सेंटेंस में अगर हम साध बोल रहे हैं तो सेकेंड में हम कहेंगे कि ही इज डूइंग वर्क ही इज बिजी इन हिज वर्क ही इज टेकिंग शॉवर तो जब हम साथ की जगह कोई एक और हम वर्ड यूज करेंगे इट्स अ प्रनाउन तो यहाँ पर हम बार बार अगर द टैक्सी ड्राइवर इज गोइंग द टैक्सी ड्राइवर इज कमिंग द टैक्सी ड्राइवर इज वर्किंग टैक्सी ड्राइवर इज गोइंग टू फॉर वर्क तो यहाँ पर हमारी चीज़ों की रेपिटेशन जो है वो हमारी बताती है कि हमें रेपिटेशन से अवॉइड करना चाहिए तो इसमें हमने एग्जाम्पल ये दी हुई कि हमने जब एक दफा टैक्सी ड्राइवर यूज़ कर लिया है किसी भी उसके लिए सेंटेंस में तो उसकी जगह हम बार बार कहेंगे ही इज़ डूइंग ही इज़ गोइंग अगर गर्ल्स है तो उसकी जगह हम लगा देंगे टू गर्ल्स अगर बहुत सारे हैं तो उसकी जगह दे लगा देंगे मीन्स कि हम प्रोनाउन यूज़ कर देंगे नाउन की जगह हम प्रोनाउंस प्रोनाउंस मीन्स बेसिकली इंस्टेड ऑफ नाउन मतलब वो किसकी जगह आते हैं प्रोनाउन नाउन की जगह नाउन क्या होते हैं एनी नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग यहाँ पर जो नाउन है वो है टैक्सी ड्राइवर तो इसकी जगह जब हम बार बार रेपिटेशन से अवॉइड करना चाह रहे हैं तो ही लगा देंगे या शी लगा देंगे कोई भी अगर मेल होगा तो ही लग जाएगा बॉय होगा तो ही फीमेल होगा या गर्ल होगी तो शी लग जाएगा तो एनदर एग्जाम्पल कैन बी फाउंड फार्मूले की सिक्वेंस सच एज द स्टेटेड प्रीवियसली और दफॉर्म मैंशन जितनी भी इसकी एग्जाम्पल्स हैं वो आपको ऊपर मैंने जो मैंशन की हुई है उसमें बता दी है किस तरह से जो एनाफोरिक है रेपिटेशन है रेफरेंस है इस और इस रेफरेंस से कैसे बचते हैं कि हम नाउन की जगह बार बार नेम ऑफ पर्सन प्लेस की दख, एक दफ़ा यूज़ करके इस जगह हम अपना प्रोनाउन ही और शी लगा सकते हैं नेक्स्ट जो है हमारी जो है वो है कैटाफोरिक पहली जो टाइप है उसकी रेफरेंशियल डिवाइस की रेफरेंस की एनाफोरिक अब कैटाफोरिक कैटाफोरिक रेफरेंस इज द ऑपोजिट ऑफ एनाफोरा जो एनाफोरा है वो रे, आ, रेपिटेशन है कैटाफोरा मीन उसका ऑपोजिट है रेफरेंस फॉरवर्ड एज अपोज टू बैकवर्ड इन द डिस्कोर्स समथिंग इज इंट्रोड्यूस इन द एबस्ट्रैक्ट बिफोर इट आइडेंटिफाइड फॉर एग्जाम्पल हेयर ही कम्स आवर अवार्ड विनिंग होस्ट इट्स जॉन डोए मतलब कि इसमें वर्ड्स की रेपिटेशन ही नहीं है इसमें ऑलरेडी बताया गया है हेयर ही कम्स के स्टार्ट ही प्रोनाउंस से हो रहा है आवर अवार्ड विनिंग होस्ट इट्स जॉन डॉय को किसको मिला जॉन डॉय का कि इसका स्टार्ट प्रोनाउंस है कैटाफोरिक रेफरेंसेस कैन आल्सो फाउंड इन रिटर्न टेक्स कैटाफोरिक जो रेफरेंस होते हैं वो हमारे रिटर्न टेक्स में पाए जाते हैं ओरल में नहीं होते हमारी ये रिटर्न डिस्कोर्स में होते हैं रिटर्न टेक्स में पाए जाते हैं हमारे जो उसमें रेफरेंशियल जो फर्स्ट टू डिवाइस हैं एनाफोरिक और कैटाफोरिक उसमें एनाफोरिक में रेपिटेशन होती है कैटाफोर रिक में रेपिटेशन नहीं होती देयर स्टूडेंट्स देयर इज वन मोर रेफरेंशियल डिवाइस व्हिच कैन नॉट क्रिएट कोहेजन वो जो जो है एनाफोरिक और कैटाफोरिक जो है कोहेजन को क्रिएट करते मींस के एक्शन कोहेजन मीन एक्शन और फैक्ट और फॉर्मुलेटिंग यूनाइटेड होल मींस के जो है ग्रामेटिकल और लेक्सिकल यूनिट को शो करते हैं कोहेजन है जो हमारी एनाफोरिक और कैटाफोरिक है वो हमारी कोहेयन को क्रिएट करते हैं हमारी लेक्सिकल और ग्रामेटिकल और फॉर्मेट ऑफ थिंग्स को वो जो है वो क्रिएट करते हैं लेकिन जो हमारी अगली जो टाइप है देर इज़ मोर रेफरेंशियल डिवाइस विच कैन नॉट क्रिएट कोहेयन ये जो हमारी एक्सोफोरिक टाइप है ये हमारे कोहेयन को जो क्रिएट नहीं करती डेयर स्टूडेंट्स एक्जोफोरिक रेफरेंस इज यूज टू डिस्क्राइब जेनेरिक्स और एब्स्ट्रैक्ट विद without every identified them in contrast to anaphor or cataphore which do identify the entirety and thus are forms of endophorum jo hamari exophora it it's mean outer side ki ye कैटाफोरा और एनाफोर से डिफरेंट टाइप है जो एनाफोर जो एनाफोरा के बारे में हमने पढ़ा है और कैटाफोरा के, के बारे में इससे ये एक्सोफोरा है ये डिफरेंट है ये वो दोनों कोहियन क्रिएट करती हैं चीज़ों को और ये जो है कोहियन क्रिएट नहीं करती मीन्स कि इसमें लेक्सिकल और ग्रामेटिकल नहीं होता तो ये जो रेफरेंस है ये डिस्क्राइब कर जेनेरिक्स कॉमन चीज़ों को जनरल चीज़ों को जेनेरिक्स मीन इट्स अ कॉमन इट्स अ कॉमन थिंग और एब्सट्रैक्ट विदाउट एवरी आइडेंटिफाइंग कि हमने इसको आइडेंटिफाई को एब्स्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई ही नहीं करते जिस तरह से हम एनाफोरा और कैटाफोरा के, के बारे में हर चीज़ को बता रहे होते हैं इसमें हम चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं करते बल्कि हम इसमें देखते हैं कि स्टार्ट से उसका इंट्रोड्यूस अ द राइटर रेफर टू इट बाय वर्ड सच एज एवरीथिंग के जो जो उसमें जो राइटर है वो हर चीज के बारे में बताता जाता है हर चीज के बारे में एलेबोरेट करता जाता है द प्रीफिक्स एक्सो एक्सो मीन आउटसाइड एंड द पर्सन और इवेंट्स रेफर टू इन दिस मैनर आर नेवर आइडेंटिफाई बाई दैट इन दिस मेथड द पर्सन या कोई इवेंट रेफर्ड टू इन दिस मैनर आर नेवर आइडेंटिफाई बाय द राइटर जो एनाफोरा और जो एनाफोरा और जो कैटाफोरा है उसमें हमें राइटर के बारे में सारा कुछ पता चल जाता है कि राइटर ने कौन कौन सी डिवाइस यूज की जो आपका एग्जोफोरा है ये एक जनरिक फॉर्म है ये एक आम बात है इसमें हम राइटर ना भी बताए तो हम चीजों को खुद ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं मींस कि इसमें पर्सन और इवेंट कोई भी हो कोई भी आपका पर्सन कोई भी इवेंट हो वो नेवर आइडेंटिफाई बाय द राइटर इसमें राइटर को नहीं देखना पड़ता स्टूडेंट्स हमारी जो नेक्स्ट जो उसकी डिवाइस है वो रेफरेंस के बाद है एलिप्सिस एलिप्सिस इज एन अदर कोहेसिव डिवाइस एलिप्सिस कोहेसिव डिवाइस है एक हमारी फर्स्ट जो है वो हमारी रेफरेंस थी अब जो सेकंड है वो है हमारी एलिप्सिस की एलिप्सिस होता क्या है मतलब ये किस चीज़ के बारे में हमें बताता है इसका मतलब ये होता है कि ओवल मीन्स कि ये एक हमारी एलिप्सिस जो होती है ये एक शेप होती है क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि ये किस तरह से हमारे सेंटेंस में एक बेसिक पार्ट है किस तरह से हम इसकी मदद से अपनी चीज़ों को समझ सकते हैं एलिप्सिस की मदद से एलिप्सिस इज़ एनदर कोहेसिव डिवाइस है ये क्या है एक डिवाइस इसका हम इख्तार करते हैं इन मुख्तार चीजों को करने के लिए हम एलिप्सिस यूज करते हैं इट हैपन्स वेन आफ्टर अ मोर स्पेसिफिक मैंशन वर्ड्स आर ओमिटेड वेन द फ्रेज मस्ट बी रिपीटेड की जब चीजों की ओमिशन की जाती है जब चीजों का फिगर ऑफ सेंटेंस मोर देन वर्ड्स वन और मोर देन वर्ड्स विच आर ओबियसली अंडरस्टूड आर ओमिटेड मतलब जब भी आपकी चीजों का इख्तसार करना होता है जब भी आपकी चीजों को मुख्तर करना होता है तो उसके लिए हम चीजों को छोड़ने के लिए लीव आउट करने के लिए लेफ्ट आउट करने के लिए अपने सेंटेंस में एलिप्सिस यूज करते हैं डे स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने फोकस करना है कि एलिप्सिस क्या होते हैं एलिप्सिस आपके सेंटेंसिस को मुख्तसर करते हैं और आपके जो पैराग्राफ और फ्रेज होते हैं उसमें चीजों को ओमिटेड मीन लीव करते जाते हैं जैसे कि सिंपल कन्वर्सेशन एग्जाम्पल ये है कि वेयर आर यू गोइंग वेयर आर यू गोइंग सिंपल करके लिखा टू डांस इसमें कोई प्रॉपर उसको नहीं दिया हुआ आपके सेंटेंस को मुख्तिर किया गया वर्ड्स को ओमिटेड किया गया है क्योंकि अगर हम देखते तो इसका वेयर आर यू गोइंग का सेंटेंस बनता था द फॉर्म ऑफ बीज रिप्लाई वुड बी आई एम गोइंग टू डांस वेयर आर यू गोइंग आई एम गोइंग टू डांस लेकिन ये है हमारा कंप्लीट सेंटेंस का आंसर आई एम गोइंग टू डांस बट जब हम एलिप्सिस यूज करेंगे अपने सेंटेंस में तो वर्ड्स शॉर्ट हो जाएगा हम कहेंगे जस्ट गोइंग एंड गोइंग हटा के हम लिख देंगे टू डांस मीन्स के पता चल जाएगा कि यंगर चाइल्ड वॉज आउट गोइंग द ओल्डर मच मोर रिजर्व द्याा है दूमिटेड वर्ड फ्रॉम द सेकेंड क्लॉज आर चाइल्ड एंड वॉज क्या है इसमें वर्ड जो मुख्तिर क्या है इसमें द यंगर चाइल्ड वॉज वेरी आउट गोइंग द ओल्ड ओल्डर मच मोर रिजर्व इसमें क्या है हमारा चाइल्ड एंड वॉज इट्स अमिटेड वर्ड बाकी जो है हमारे लिए मुख्तसर वर्ड ये बाकी हमें उसके बारे में जानना जरूरी नहीं है तो डियर स्टूडेंट्स जब भी चीजों को मुख्तर यूज करना हो तो हम एलिप्सिस यूज करेंगे इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट डिवाइस है वह सब्स्टि, करना वर्ड इज नॉट ओमिटेड एज़ इन एलिप्सिस इसमें जो है वर्ड ओमिटेड नहीं होता मुख्तर नहीं होता इसमें जो है एज एन एलिप्सिस एलिप्सिस की तरह नहीं होता बल्कि सब्सटीट्यूट में जो है आपका मीनिंग जो है वो चेंज होता है मुतबादल होता है सब्सिट्यूट किसी चीज़ का भी मुतबादल होता है कि जब हम एक जगह दूसरी जगह चीज़ दे रहे हो तो इट्स अ सब्सटीट्यूट बट इज सब्सटीट्यूट फॉर एन मोर जनरल वर्ड फॉर एग्जाम्पल विच आइसक्रीम वुड यू लाइक एग्जाम्पल है इसकी आई वुड लाइक द पिंक वन वेयर वन इज यूज इन स्टेड ऑफ रिपीटिंग आइसक्रीम आप देखें वहां पर पूछा गया है विच आइसक्रीम वुड यू लाइक क्वेश्चन में भी पूछा गया है कौन सी आइसक्रीम खाना पसंद करेंगे आंसर में भी अगर देखें आई वुड लाइक द पिंक वन जो आप हम अपना उसको रिपीट नहीं करेंगे हम लगाएंगे वेयर वन मतलब हमने उसकी जगह क्या आई आई वुड लाइक द पिंक आइसक्रीम हमने ये नहीं कहा हमने कहा आई वुड लाइक वन मीन्स कि हमने आइसक्रीम की जगह वन यूज़ कर तो तो वन जो है इज़ यूज ऑफ रिपीटिंग आइसक्रीम कि इसका मतलब है कि सवाल में जो आइसक्रीम यूज़ हुई है उसकी जगह हमने जवाब में आइसक्रीम को यूज़ नहीं किया बल्कि वन लगाकर इसको जो है कंप्लीट कर दिया है इसमें हमने जो है वर्ड को रिपीट नहीं किया इसके बाद डेयर स्टूडेंट्स आपका आएगा कंजंक्शन कंजंक्शन जो है ग्रामर का पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है इसमें वर्ड्स कि किस तरह से कंजंक्शन कि किस तरह से वर्ड जो है एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं किस तरह से कंजंक्शन इज अ वर्ड टू यूज ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसिस कंजंक्शन जो है वो हमारे वर्ड्स को भी ज्वाइन करता है और हमारे सेंटेंसिस को भी ज्वाइन करता है कंजंक्शन लिंकिंग डिवाइसिस होती हैं जो एक दूसरे साथ कनेक्टेड ये वर्ड्स भी एक दूसरे साथ कनेक्टेड हो सकते हैं क्लास भी हो सकते हैं बेसिकली

रिलेशन बिटवीन सेंटेंसिस राधर देन बिटवीन वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर इसके आपके जो सिमेंटिक्स है आपका रिलेशन बनाते हैं आपके सेंटेंस में वर्ड्स में और आपके स्ट्रक्चर्स में इन अदर वर्ड्स दे स्ट्रक्चर द टेक्स्ट इन अटन लॉजिकल ऑर्डर दैट इज मीनिंगफुल टू द रीडर और लिस्नर जो आपके कंजंक्शन होते हैं ये जो आपके सेंटेंस और आपके वर्ड्स और स्ट्रक्चर के दरम्यान बनते हैं तो आपकी टेक्स्ट में ये लॉजिकल ऑर्डर क्रिएट करते हैं आपकी मीनिंगफुल बनाते हैं टेक्स्ट को जो आपकी रीडर्स के लिए पढ़ने वालों के लिए और लिस्नर्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपकी ये सेंटेंस में जो है आपके ऑर्डर क्रिएट होते हैं कंजंक्शन आर डिवाइडेड इंटू फोर टाइप्स कितने टाइप्स में इसको डिवाइड किया है कंजंक्शन को फोर टाइप्स में फर्स्ट इसकी है एडिटिव देन एडवर्जेटिव देन कैजुअल एंड टेम्पोरल स्टूडेंट्स कंजंक्शन को फिर फोकस कीजिएगा कंजंक्शन जो होते हैं इट्स अ इट्सिंग वर्ड्स इट्स अ लिंकिंग वर्ड्स इट्स अ टुगेदर वर्ड्स कनेक्टेड वर्ड्स जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं वो सेंटेंस भी हो सकते हैं जुड़े हुए वो वर्ड्स में भी हो सकते हैं सेंटेंस इसका मीनिंगफुल होता है सेंटेंस जिसमें कंजंक्शन जो है वो अपना मतलब रीडर्स के लिए भी और लिसनर्स के दोनों के लिए उनके लिए बेनिफिट्स होते हैं तो इसकी हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ कंजंक्शन के सबसे पहले एडिटिव कंजंक्शन है एडिटिव कंजंक्शन कनेक्टरिटी जो एडिटिव इट्स एडिटिव एड किया गया है कंजंक्शन में चीज को कनेक्ट किया गया से ये शेयर कर रहे हैं सिमेंटिक सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी एक जैसी चीजों को सिमेंटिक मीनिंग जिसके हों जब भी किसी वर्ड्स के मीनिंग एक जैसे होंगे तो एडिटिव कंजंक्शन में उनको सिमेंटिक सिमिलरिटी बोले एग्जाम्पल्स ऑफ एडिटिव कंजंक्शंस आर एंड लाइकवाइज फ़र्दर मोर इन एडिशन ई टी सी जो एडिटी एडिटिव कंजंक्शन की एग्जाम्पल्स हैं वो है आर जब भी हम किसी सेंटेंस के या किसी वर्ड्स के दरमियान में आर यूज़ करेंगे एंड यूज करेंगे लाइक वाइज किसी भी एक सेंटेंस को ख़त्म करके उसके दरम्यान में दूसरा सेंटेंस होगा तो कनेक्टेड वर्ड यूज़ होगा आर भी यूज होता है एंड भी एंड आर लाइक वाइज फर्दर मोर यह सारे क्या कनेक्टेड वर्ड्स हैं एडवर एडवर्जेटिव कंजंक्शन आर यूज टू एक्स एक्सप्रेस कंट्रास्टिंग रिजल्ट एंड ओपिनियन ये जो एडवर्जेटिव जो कंजंक्शन है ये आपकी बेसिकली आपके रिजल्ट और आपकी ओपिनियंस को शो करते हैं आपके कंजंक्शन में ज्वाइनिंग दिस टाइप ऑफ कंजंक्शन एक्सप्रेस बाय वर्ड सच एज बट उ एवर कंट्रास्ट वेयर एज अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी सेंटेंस के मिड में एक सेंटेंस खत्म हो रहा होगा दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा होगा उसमें हम फुल स्टॉप की जगह कनेक्टेड वर्ड लगाएंगे तो एक सेंटे फॉर एग्जाम्पल दो हमारे पास सेंटेंस है अगर हमने उसको एक बनाना है तो उसके दरम्यान में हम कनेक्टेड वर्ड लगाएंगे फुल स्टॉप को हटाकर हम उसको कनेक्टेड वर्ड लगाएंगे जैसे कि अभी मैं आपको बताती हूँ इसमें आपको पता चल जाएगा अनम एंड हीरा आर कज़न कज़न। एंड हीरा अब हम इसको जो एक सेंटेंस बनाना चाहेंगे हम इसके दरमियान में लगाएंगे अनम एंड हीरा आर कजन्स हमने दरमियान में एंड लगाया एंड जो है वो बेसिकला हमारा करेक्टेड वर्ड्स है और इस तरह से हमने जब दरमियान में सेंटेंस के हाउ एवर कंट्रास्ट और ये लगाते हैं तो ये हमारा बेसिकली कनेक्ट कर रहा होता है कैजुअल कंजंक्शन जो होते हैं वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमारे पर्पस को कि हम ये किस मकसद में यूज कर रहे थे हमारे रिजल्ट्स को और हमारे रीजंस को दे आर करेक्टराइज बाय द यूज ऑफ आइटम्स सच एज सो थे बिकॉज ई जो कैजुअल होते हैं वो कैजुअल उसमें यूज हो रहे होते हैं जैसे कि हमारे सिंपल बातों में सिंपल वर्ड्स में सिंपल सेंटेंस में जैसे सच लाइक एज सोथ ये कैजूअल वर्ड बिकॉज जो डेली बेसिस पे हम यूज करते हैं जो टेम्पोरल कंजंक्शन होते हैं ये हमारी लास्ट टाइप है कंजेंशन की टेम्पोरल कंजंक्शन एक्सप्रेस द ता टाइम ऑर्डर ये किसको वो एक्सप्रेस करते हैं बता रहे होते हैं टाइम के बारे में दे टेल्स अबाउट ता द टाइम ऑर्डर ऑफ इवेंट किसी भी इवेंट का सच एस फाइनली कि ये काम फ़ाइनल हो गया देन या फिर करना है या सून या बहुत जल्द एट द सेम टाइम ये इस टाइम पर होगा जो हमारे एडिटिव होते हैं वो हमारी चीज़ों की एडिटिंग करने में जो हमारे कनेक्ट वर्ड करने में जो हमारे एडवर्ट, एडवर, एडवर्जेटिव जो होते हैं ये टाइप जो होती है हमारी ये किस लिए होती है ये हमारी चीज़ों को क्रिएट करने में मतलब कि किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं बट और हाउट कंट्रास्ट कर रहे होते हैं जो हमारी नेक्स्ट है वो कैजुअल कैजुअल कन्जेंशन जो होते हैं वो हमारे रिजल्ट और पर्पज़ को शो कर जो डेली बेसिस पे हम वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं और हमारे टेम्परल जो होता है वो टेम्पोरल कंजंक्शन टेम्परल कन्जंक्शन बेसिकली टेम्पुर कंजंक्शन शो करवा देते हैं हमारे टाइम ऑर्डर को कि हमारा टाइम जो है किस तरह से किस टाइम पर हमने ये वर्क करना है किस तरह से हम किस टाइम पर यह काम करना चाहते हैं या हमारा काम करने का सूटेबल टाइम कौन सा है या हम अपने काम को किस तरह से अपना जो है परफॉर्म कर पाएंगे तो डेयर स्टूडेंट्स ये थी आपकी कंप्रीहेंशन में और कंपोजिशन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था कोहेसिव डिवाइसेस तो कोहेसिव मीन टुगेदर मतलब जुड़े हुए लिंकिंग एक दूसरे के साथ लिंक्ड वर्ड कनेक्टेड जो चीजों का आपस में जो राबता होता है मरबूत मतलब जुड़ी होती हैव एनी क्वेश्चंस एनी क्वेरी यू कैन आस्क टू मी डोंट हेजिटेट प्लीज़ इसको जो है इन पर फोकस करना स्टार्ट करें कोहेसिव के बारे में पढ़ना स्टार्ट करें ये जो मैंने आपके साथ उसकी एग्जांपल्स शेयर की हैं उसके टाइप शेयर किए हैं आप इन पर बार बार फोकस करें जो स्टूडेंट्स ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको इसके बारे में सारी जो है इसके मीनिंग्स भी बताए हैं इसको समझें अपना कंसेप्ट क्लियर करें और जहाँ आपका कंसेप्ट क्लियर ना हो रहा हो वहाँ मुझसे क्वेश्चन करें बार बार इसमें आपने हर चीज़ को फोकस करना है हर टाइप को इसमें आपने फोकस करना है देन आपने चीजों को पढ़ना है और समझना है ओके अल्लाह हाफी स्टूडेंट्स